Good morning, everyone. This is New Learning to Communicate, Class 2 English Book. पिछली बार हमने Chapter 4, Grace Calls Her Friends, यह पूरा समझा था, पढ़ा था. आज हम इसके question answer समझेंगे और पढ़ेंगे. Let's read and find facts. चलो पढ़ते हैं और इसकी जो फैक्ट्स हैं, हकीकत है, वो समझते हैं. वन, व्हाई आर द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन देयर होम्स. ये बर्ड्स और एनिमल्स अपने घर में क्यों हैं? आंसर है, इट इज रेनिंग. क्योंकि बारिश हो रही है, इसलिए वो घर में हैं. टू, वेयर इज प्रिटी, व्हाट इज शी अफ्रेड ऑफ. प्रिटी कहाँ है, वो किससे डर रही है? अफ्रेड ऑफ यानी किसी से डरना. तो इन द नेस्ट, वो नेस्ट में है. अफ्रेड ऑफ विंड, वो विंड से डर रही है. क्योंकि विंड ज्यादा आएगा, पवन ज्यादा आएगा, तो उसका घोंसला है, नेस्ट है, वह गिर जाएगा. थ्री, हु इज हर फ्रेंड, हाउ डज शी ड्राई हर फीदर्स. उसकी फ्रेंड कौन है, प्रीटी की फ्रेंड कौन है? तो ग्रेस है. हाउ डज शी ड्राई हर फीदर्स, उसके पंख कैसे उसने सुखाए, ड्राई यानी सुखाना. बाय ब्लोइंग, उसने मुंह से हवा डाली, गर्म हवा, इस बाय ब्लोइंग. फॉर हु आर ग्रेस फ्रेंड्स, ग्रेस के फ्रेंड कौन कौन है? द रैबिट, द डव, द पीजन, ये तीनों ग्रेस के फ्रेंड हैं. What do they collect? उन्होंने क्या collect किया, वो उन्होंने क्या जमा किया? Twigs, feathers, leaves. तो उन्होंने twigs जमा किए, छोटी छोटी डालियां की, डालियों के टुकड़े, feathers जमा किए और leaves जमा किए. Five, describe Pretty's new nest. Pretty का new nest है, उसको describe करो. Describe यानी उसके बारे में बताओ. Lovely, bigger and more comfortable. उसका जो new house है, lovely है, bigger है, बड़ा है उस पहले वाले से, और more comfortable यानी आरामदायक है. Then you can give us party. Who says this? तो तब तुम हमें पार्टी दे सकती हो, ऐसा कौन कहता है? Say यानी कहना, कौन कहता है? तो ग्रेस कहती है. When should Pretty give a party? Pretty है, वो पार्टी कब देगी? After having babies, वो उसके जो babies होंगे बाद में पार्टी देगी. Let's read between the lines. चलो between the lines पढ़ते हैं. One, why does Pretty have tears in her eyes? Pretty की आंखों में आंसू क्यों आ गए? Because she has no home. क्योंकि उसका अब घर नहीं है. उसका जो विंड, पवन चला, बारिश आई, इसमें उसका घर गिर गया, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए. टू, प्रिटी प्रॉमिसेस ग्रेस दैट शी वुड गिव अ पार्टी. डू यू थिंक शी ऑफर्स हर फ्रेंड्स. प्रिटी है, प्रॉमिस करती है ग्रेस से, मैं पार्टी दूंगी आपको, क्या क्या दे सकती है बताओ. तो सी, नट्स दे सकती है, बेरीज, फ्रूट्स दे सकती है. Would you say that Grace is? Grace क्या है? तो तीनों है, a loyal friend, वफादार दोस्त है, a caring friend, जो केयर करता है, ऐसा फ्रेंड है, and a kind friend, तीनों है. Let's talk, चलो बोलते हैं. जया, oh, my shoes have got wet. रमा, never mind, take them off and put on your slippers. तो इसमें क्या है कि मेरे, जया बोलती है, मेरे जो जूते हैं वो गीले हो गए हैं. तो रमा बोलती है, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, उनको उतार दो, स्लीपर्स पहन लो. वर्क विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट दिस शॉर्ट पीसीस ऑफ कन्वर्सेशन. यू मे यूज द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स. राज, ओ, देर इज इंक ऑन माई चीक. अरे, मेरे चीक, गालों पे इंक चिपक गई है. आरिफ, नेवर माइंड, यू मे वॉश योर फेस एंड क्लीन इट.
तुम है अपना फेस धो सकते हो, उसको साफ कर सकते हो। देखो है ना, आरिफ के चीक पे गाल पे इंक यानी स्याही गिर गई है, जो पेन में आती है ना वो, उसको इंक बोलते हैं। यहां देखो मोना, गुडनेस क्रेसस आई हैवंट ब्रॉट माय पेन। ओ मोना बोलती है मैं अपनी पेन लाई नहीं हूं। मीना, डोंट बी अपसेट, तुम अपसेट मत हो। आई हैव एन एक्स्ट्रा वन, यू कैन टेक इट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेन है, तुम वो ले सकती हो। तो यहां देखो मीना है मोना को पेन दे रही है, देखो, और मोना अपसेट लग रही है, उसकी आंखों देखो। अमित, आई एम सॉरी आई हैव टॉर्न योर पिक्चर। अमित बोला ओ आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा पिक्चर तोड़ दिया। देव, डोंट वरी, चिंता मत करो। देव बोला चिंता मत करो। यू कैन यूज सेल टैप, सेलो टैप एंड ज्वाइन द टू बिट्स ऑफ द पिक्चर। तुम सेलो टैप यूज कर सकते हो और जो पिक्चर है उसके दो टुकड़े जोड़ सकते हो। सेलो टैप आती है ना राउंड, ये सेलो टैप है, ये पिक्चर टूट गया है इसको बीच में लगा के जोड़ सकते हैं। जगत, आई एम रियली सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग स्टैम्प्स फॉर यू। स्टैम्प टिकट है, स्टैम्प टिकट अलग अलग रुपए की होती है जो पोस्ट में लगाते हैं, पोस्ट पर लगाते हैं। तो जगत बोला आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर स्टैम्प्स फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए स्टैम्प्स लाना भूल गया। अमित, नेवर माइंड यू डू ब्रिंग इट टुमारो, कोई बात नहीं तुम कल, टुमारो यानी कल लेके आना। देखो यहां पे ये टिकट है। लेट्स लिसन, चलो। फन विथ साउंड, से दिस वर्ड्स अलाउड विथ योर टीचर, आपके टीचर के साथ जोर से बोलना। तो मेरे साथ भी बोल सकते हो, पैट पैट, पिन पिन, पैट, बैट बैट, बिन बिन, बैट। पैट यानी पालतू जो भी जानवर होता है, पिन तो छोटी सी होती है, बैट खेलने का होता है, और बिन है वो डस्टबिन जैसी कह सकते हैं। नाउ रीड दिस, चलो अब इसको पढ़ो। मिसिस पैक पिजन इज पिकिंग फॉर ब्रेड, बॉब 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 गोस हर लिटिल राउंड हेड। देखो मिसिस पिजन है, मिसिस पैक पिजन है, वो क्या करती है, पिकिंग, पिकिंग यानी उठा रही हैं ब्रेड के टुकड़ों को, और उसका हेड है वो बॉब बॉब आगे पीछे हो रहा है। लेट्स लर्न ग्रामर, चलो ग्रामर पढ़ते हैं। इसमें प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या है, रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ो। हेमा, आई एम हेमा, लता इज माय फ्रेंड, लता इज 10, लता, राज इज माय ब्रदर, राज इज क्लेवर। हेमा बोलती है आई एम हेमा, मैं हेमा हूं, लता इज माय फ्रेंड, लता मेरी फ्रेंड है, लता इज 10, वो 10 इयर्स की है, लता, राज इज माय ब्रदर, लता बोली राज मेरा भाई है, राज इज क्लेवर। अभी यहां देखा, अभी देखो इसको सुधार के लिखते हैं। देखो लेट्स इम्प्रूव दिस सेंटेंसेस, ये जो हैं हमने बोले बराबर, इसको इम्प्रूव करके यहां बोलेंगे। लेट्स इम्प्रूव दिस सेंटेंसेस, उसमें सुधार करेंगे, चेंज करके बोलेंगे। हेमा, आई एम हेमा, हेमा ने कहा मैं हेमा हूं, लता इज माई फ्रेंड, लता मेरी दोस्त है, शी इज 10, वह 10 ईयर की है, 10 ईयर्स की है शी। तो जो यहां पे ये लता है, यहां पे पहली बार लता यूज हुआ, यहां दूसरी बार भी हुआ, मगर यहां पे अगर पहली बार हो चुका है और उसी के बारे में बात करते हैं तो फिर नाम लिखा नहीं है, यहां सी लगा दिया है। यहां पे लता है, लता लगाया, यहां लता है तो सी लगाया। लता, राज इज माय ब्रदर, ही इज क्लेवर। अभी यहां देखो, यहां राज है तो फिर राज लगाया, मगर यहां राज है तो ही लगा दिया। तो ये चेंजेस आए, चेंजेस आए। द वर्ड्स इन इटैलिक्स आर प्रोनाउंस, ये जो इटैलिक वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस हैं, शी और ही, ये प्रोनाउंस हैं, क्योंकि ये नाउन के बदले यूज हुए हैं। देखो यहां पे
कि हेमा आई एम हेमा, लता इज माई फ्रेंड, शी इज 10। अभी लता के बदले शी यूज हुआ है, यहां दोबारा लता यूज हुआ, मगर यहां लता के बदले शी यूज हुआ। तो शी प्रो नाउन है जो नाम के बदले यूज होते हैं। यहां पे देखो राज के बदले ही हुआ। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाम के बदले यूज होता है। आई एम भी प्रोनाउन है, क्योंकि हम जो अपने बारे में कहते हैं आई, हमारा भी नाम है ना, नाम के बदले में आई यूज करते हैं, तो आई भी प्रोनाउन है। जैसे लता ने, हेमा ने कहा आई एम हेमा, इसमें आई कौन है, हेमा ही है, तो आई भी प्रोनाउन है। ए यूज द प्रोनाउंस ही, दे, हिज और शी इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो नीचे जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं इनके बदले ही, दे, हिज, शी यूज कर सकते हैं। वन, मिस्टर एंड मिसिस लाल एंड अरुण आर हैविंग ब्रेकफास्ट। तो मिस्टर एंड मिसिस लाल एंड अरुण आर हैविंग ब्रेकफास्ट। मिस्टर, मिसिस लाल एंड अरुण वो नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। व्हाट आर मिस्टर एंड मिसिस लाल एंड अरुण हैविंग? तो What are Mr. and Mrs. Lal and Arun having? ये underlined word है, इसके बदले में एक ही pronoun use हो सकता है, they। तो हम बोल सकते हैं What are they having? ये पूरे underline के बदले में they हो सकता है। तीन लोग हैं तो दो या दो से आगे ज्यादा हैं, तीन लोग हैं, they use हो गया, they pronoun use कर सकते हैं। टू, अरुण इज हैविंग अ टोस्ट। अरुण है वो टोस्ट खा रहा है। अरुण इज स्प्रेडिंग जाम ऑन हिज टोस्ट। अरुण है वो अपने टोस्ट पे जाम लगा रहा है, स्प्रेडिंग यानी वो लगा के फैला रहा है। तो अरुण के बदले ही यूज हो सकता है, क्योंकि लड़का है, ये अरुण है, इसके बदले ही यूज होता है। लड़की होती तो शी यूज होता, और दो तीन है तो दे यूज होता है। तीन, मिसिस लाल इज पोरिंग द टी। मिसिस लाल हैं वो टी डाल रही हैं। मिसिस लाल इज एडिंग मिल्क एंड सुगर टू द टी। मिसिस लाल हैं वो मिल्क एंड सुगर टी में डाल रही हैं। तो अभी मिसिस लाल दोबारा यूज हुआ, तो इसके बदले हम शी यूज कर सकते हैं। सो इस तरह से हम प्रोनाउंस यूज कर सकते हैं। और यहां ये पार्ट आज पूरा करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। गुड बाय।